मध्यम वर्गीय समाज के लिए बहुत सारी मदद करने का काम हमारी सरकार लगातार करती रही है, क्योंकि देश में जिस प्रकार से आर्थिक गतिविधि आई है, मध्यम वर्ग की आशा अपेक्षाएं बढ़ना बहुत स्वाभाविक है और मैं मानता हूं वो किसी भी देश के प्रगति के विकास के लिए बहुत अनिवार्य अंग है, जो आज देश 55 महीने में अनुभव कर रहा है। नए नए एस्पिरेशंस, नई नई अपेक्षाएं, नई नई आकांक्षाएं, ये विकास की सबसे बड़ी निशानी होती है जो आज देश में नजर आ रहा है। कुछ लोगों को आशा अपेक्षाएं ये बोझ लग रही है, मैं इसको गौरव से देखता हूं, क्योंकि वह दौड़ने की ताकत देती है, नया करने की प्रेरणा देती है। जीएसटी के बाद जरूरी सामान टैक्स के दायरे से हमने बाहर करने का काम किया है। आप याद कीजिए, दूध पर भी आप टैक्स लेते थे, न जाने कैसी कैसी चीजों पर टैक्स लेते थे, वो दिन आपको तो बोलने का हक ही नहीं है। और एवरेज टैक्स जीएसटी के पहले 30% से ज्यादा हुआ करता था, और आप ऐसी बातें बताते हो जैसे मतलब, और जीएसटी काउंसिल निर्णय करती है जिसमें आपके दल के लोग भी होते हैं, आपके दल के मुख्यमंत्री और आपकी सरकार के लोग भी होते हैं। आज 99% सामान 18% या उससे नीचे आया। इस बजट में भी इनकम टैक्स में 5 लाख रुपए की रियायत देने का काम हमने किया है, और ये मांग हमारे समय आई ऐसा नहीं है, जब इकोनॉमी प्रधानमंत्री थे तब भी आती थी, 92 में भी ऐसी मांग आती थी, लेकिन इतने सालों तक आपने कभी ध्यान नहीं दिया। हमने चिंता की है, हमने कहा एजुकेशन लोन, हमारा मिडिल क्लास का परिवार एजुकेशन लोन लेता है, एजुकेशन लोन लेता है तो 15% से घटा करके 11% हमने उसका किया ब्याज, और उसके कारण अगर एक नौजवान विद्यार्थी 10 लाख रुपए का लोन लेता है तो आज उसको लोन भरते भरते 1.25 लाख रुपए की बचत होती है। उसी प्रकार से आवास में अगर वो बैंक से लोन लेता है मध्यम वर्गीय परिवार, तो बैंक में पैसा जमा करते करते उसको 5 से 6 लाख रुपए की बचत होती है। ये काम हमने करके दिया है। उसी प्रकार से एलईडी बल्ब, मैं हैरान हूं क्या कारण था यूपीए के समय एलईडी बल्ब 300-400-450 रुपए में बिकता था, और ऐसा क्या कारण है कि हमारे आने के बाद वो 60-70 रुपए में आ गया, और देश में करोड़ों करोड़ों एलईडी बल्ब गए हैं। कितने करोड़ों रुपयों का पैसा गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार का बचा है, जिसका अंदाज लगा सकते हैं। और इस एलईडी बल्ब के कारण देश में 50,000 करोड़ रुपये का बिजली बिल कम हुआ है, जो 50,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष मध्यम वर्ग परिवार के जेब में बचा हुआ है। ये बहुत बड़ा काम एक एलईडी बल्ब के माध्यम, अगर 50,000 करोड़ रुपये का मैं पैकेज घोषित करता तो मीडिया में 24 घंटे चर्चा चलती, हर अखबार पर हेडलाइन होती। ये काम आराम से 50,000 करोड़ रुपये बचा करके देश के मध्यम वर्गीय परिवार की मदद करने का काम हमारी सरकार ने किया। दिल की बीमारी के स्टेंट कितने महंगे थे, सस्ते कर दिए। नी प्लांट, उसका काम कितना सस्ता हो गया, ये करके दिखाया। हमने मुफ्त में डायलिसिस सुविधा डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ले गए हैं। पहले गरीब व्यक्ति को डायलिसिस के लिए 2-2 हजार रुपया, 3-3 हजार रुपया खर्च करना पड़ता था, आज मुफ्त में उसकी सुविधा देने का काम किया है। 5,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र हमने शुरू किए हैं। उन जन औषधि केंद्रों का परिणाम है कि आज गरीब परिवार, जिसमें संयुक्त परिवार हो, 60 से ऊपर की उम्र के 1-2 लोग रहते हो, तो कुछ न कुछ दवा उसका रोज का काम होता, लाना खरीदना। आज 100 रुपये की दवाई जेनरिक मेडिसिन के नाते 30 रुपये में मिलने लगी है। ये मध्यम वर्ग को सबसे बड़ा लाभ होने का काम हमने किया है।